दोस्तों आज हम बनाएंगे शादी पार्टी में बनने वाली हलवाई स्टाइल आलू परवल की सब्जी। यह सब्जी रोटी पराठे पूरी या चावल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम 250 ग्राम परवल लिए हैं और ये दो मीडियम साइज के आलू जिसे काटकर पानी में छोड़ दिए हैं। तो अब सबसे पहले एक चाकू की सहायता से इन परवल का छिलका छिलकर हटा देंगे। छिलका छिल लेने के बाद दोनों तरफ से किनारा भी काटकर हटा देंगे। परवल को एक बार अच्छे से धो लेने के बाद इसे चार चार टुकड़ों में काट ले रहे हैं। अब सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिए हैं दो टमाटर, एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन और ये हरी मिर्च। अब इन सभी का हम पेस्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ चूल्हे पर एक कड़ाही में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें परवल डालकर परवल को 5 मिनट तक भून लेंगे। तो परवल को लगभग 5 मिनट तक भून लिए हैं, अब इसे बाहर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह आलू को भी 5 मिनट तक भून लेंगे। आलू को भी भून लिए हैं, इसे भी बाहर निकाल कर रख लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में डालेंगे एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और ये एक चम्मच जीरा। जीरा चटकते ही अब इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू परवल डालेंगे, थोड़ा सा सूखा हुआ मेथी का पत्ता डाल रहे हैं, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो ये गरम पानी डाल रहे हैं। अब इसे मध्यम आंच पर 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 6 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि यह पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आलू बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डालकर मिला देंगे। अब गैस बंद करके कढ़ाई को चूल्हे पर से नीचे उतार ले रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, शादी पार्टी में बनने वाली हलवाई स्टाइल आलू परवल की सब्जी बनकर तैयार है। यह सब्जी रोटी पराठे पूरी या चावल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।